अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं आपका दोस्त मोहम्मद रियाज पिजन आउटलेट के कॉर्नर से और अपने ही चैनल से जनाब, अपने ही सेटअप से। दोस्त आप ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल है शाहजी, 2 अप्रैल है आज, और तमाम दोस्तों को रमज़ान मुबारक की पेशगी मुबारकबाद। बल्कि पेशगी क्या, अगर खत्ते को देखें तो हम लोग एंटर हो चुके हैं सऊदीया में। आज पहला रोज़ा है पाकिस्तान में, इंशाल्लाह कल पहला रोज़ा होगा। और सबके लिए नेक तमन्नाएँ, नेक दुआएँ, और सब लोग अगर दुआओं में दुआएं करें तो उसमें बोल के पाकिस्तान को ज़रूर याद रखें, क्योंकि इस वक्त जो हालातों वाकया चल रहे हैं, इस वक्त क्या हर वक्त ही चल रहे थे हमारे, लेकिन यह कि मुल्क पाकिस्तान के लिए खुशी से दुआ करें ताकि कोई अच्छे रहनुमा, अच्छे लीडर हमें मिले जो आगे चल के हमारे भी हालात कभी अच्छे हों, हम भी देखें कि पेट्रोल जो है हम 50 रुपये लीटर डलवा रहे हैं, मुमकिन नहीं नज़र आता, लेकिन दुआ करने में हर्ज कोई नहीं है। अच्छा, मैं आपको ना आज 6 पीस दिखाऊँगा। मेरे पास कुछ पड़े हुए थे गोल्डन, और एक पट्ठा पट्टी है टैडी, और ये जोड़ों वाली हैं सारे। बस ये कि इतना ख्याल कीजिएगा कि दोस्त आप जिसको ना कोई इक्का दुक्का पीस पसंद आए ना, वो ना मांगे। किसी को 6 के 6 चाहिए हो तो ले, बड़े काम आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि प्रॉपर बने हुए लाल आंखों में गोल्डन कबूतर ये काम आने वाले हैं। ज़ाया करने वाले बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंदा कहीं ये एक दे दे, ये सारे के सारे काम आने वाले हैं। मैंने आपको पता है कि अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश करता हूँ, मियाँ साहब की तरफ भी, मियाँ मुशा मुशी साहब की तरफ भी, और भी किसी दोस्त की तरफ जाता हूँ तो कोशिश होती है कि अच्छे बंदे ही दिखाए जाएँ। इनका मैं शौक आपको अभी करवा देता हूँ, बाकी मज़ीद डिस्कशन जो है ना वो फिर आप व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। लेकिन ये पहली पट्टी है, इसमें 3 पट्टियाँ और 3 पट्ठे, ये आप देख लें, गोल्डन है। मैं नहीं बिल्कुल इनके बारे में कोई ऐसी बात कहूँगा कि जी ये कौन से वाले गोल्डन है, लेकिन इतना मुझे पता है कि पीस सारे बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, वापस चल। अगर मैं इनको इमाम दिन कह दूँ तो ये हैं, आगे दोस्तों की मर्ज़ी है, जिसको जो नज़र आता है वो कह सकता है। ये पर कुंदा है, अभी पर आ रहे हैं, बीच में खींचे हुए थे, और ये वही हैं सारे जो जोड़ों के लिए रोके होते हैं। रंग रंग आपका इनके आपके सामने है, बिल्कुल सारे के सारे नाम नरम मुलायम और प्रॉपर बने हुए कबूतर हैं। 3 पट्टियाँ 3 पट्ठे गोल्डन। खड़ा दर्द आपके सामने, फ़र्क कोई नहीं आएगा इंशाल्लाह किसी कबूतर में। लेकिन ये दूसरी पट्टी है, इसको भी आपने गौर से देख लेना, ये इंशाल्लाह ना आहिस्ता आहिस्ता ये डार्क होती जाएंगी, आँखें तेज़ लाल हो जाएंगी जिस तरह के ये बने हुए। इनके बड़े जोड़े भी थे मेरे पास, वो मैंने दे दिए। ये परकुंदा इसका, और ये ऊपर से भी छापदार हो जाने। लें जी, ये पहला पट्टा है लाल आंखों में, ये चूंकि 10 पर साफ है, इनकी आंख में वाज़े लालगी आ गई है, जिस तरह की होनी चाहिए इनकी, जिस तरह की ये गोल्डन है ना, उस तरह की वाज़े लालगी इसकी आ चुकी है, और ये आंख क्लियर हो जाए ना, ये देख इस तरह की आंखें हैं ये। पहले धागे का पट्टा है ये भी, जी ये दूसरा नारा, हल्का सा टच कीजिए जरा, पॉज दो। मेरी कोशिश है कि वाजे तौर पे नज़र आ जाए कुछ, जरा कैमरा कुछ साथ नहीं दे रहा, वैसे तो धूप बहुत तेज़ है। परकुंदा इसका आप देख लें, और इसके ये आप ये देखें, ये बंद अभी से बन गए हैं इसके, ये जैसे जैसे इन्होंने साफ़ होते जाना ये बंद बनते जाने, बड़े खूबसूरत बनेंगे इंशाल्लाह। टैडी पट्टी पट्ठा में ये पट्ठा, ये तो दिखाए बगैर भी बहुत अलग क्वालिटी की चीज़ है।
लें जी, ये पट्टी है टैडी पट्टी और सेम ब्लड लाइन है। करें ज़रा थोड़ा सा क्लिक। शाह साहब मैं थोड़ी सी जल्दी में, और मेरे पास कोई बंदा हो ना तो मैं ज़रा बंदा अपना चेंज कर लूँ वीडियो मेकर। तो यकीन करें ये वीडियो बड़ी अच्छी बन जाए, आप लोग बड़े अच्छे से ना कबूतर देख सकें। बाकी ये खड़े बता देगी इसकी मादी की। लें जी ये टोटल पीस है ये आपके सामने, और उम्मीद तो बड़ी है कि साफ नज़र आ रहे होंगे। जिस दोस्त को समझ लगती है ना वो रब्ता कर सकता है, कोशिश करें। मैंने पहले ही अर्ज़ कर दी थी वीडियो के स्टार्ट में कि जिस दोस्त को एक दो पीस पसंद है वो ना तो मांग के शर्मिंदा हो ना हमें करे, छः के छः ये इकट्ठे देने। इसमें चार पीस गोल्डन है और दो इसमें पट्ठा पट्ठी टैडी हैं। गोल्डन कौन से हैं कोई क्लेम नहीं है भाईजान, जिसको जो समझ लगती है वो उसी तरह के गोल्डन को समझ ले। सिर्फ देखने हर किसी ने अपनी परख से कि जिसके काम आते हों वही रब्ता करे। और एक दफ़ा फिर रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद तमाम दोस्तों को। दुआ में याद रखिएगा मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, जब भी दुआ करें तो ज़रूर मुल्क पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को याद रखिएगा।